शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चोली का इंतजार कर रही थी, लेकिन उनसे कहे थे ना कि अपना मुंह मत खोलना, तो अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। ताई जी, अब जो बोलेंगे अब करेंगे, ताऊ जी को कुछ मत कीजिए प्लीज। कल तुम्हारे बाबा का वार्षिक श्राद्ध है, कल अपने बाबा का पिंडदान तुम्हें दान में करने हैं। ये काम पंडित जी से ही करवा लीजिएगा। अब हम अपने ससुराल वालों के हो गए हैं माँ, उन्हें नहीं पसंद कि हम आप सबके साथ कोई भी रिश्ता रखें। ठीक डायरी बाबा की। आज हमसे एक गुनाह हो गया, हमारे और भानु भैया के बिजनेस पार्टनर अनंत सिंह की जान चली गई। उसके तरह पता चल जाए क्या। श्रावणी बेटिया, श्रावणी तुम रो कह रही हो, बताओ। जी क्या क्या हमारे बाबा ने शिवांश के पापा की हत्या की है? श्रवणी सच सच बताइए ताऊ जी, मैं जानना है। सच इतना सरल नहीं है। सरल हो या मुश्किल, हमें जानना है ताऊ जी। देखो बेटा श्रवणी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, अभी तुम सिवान से दूर रहो, उसके इरादे ठीक नहीं है, बाद में बात करेंगे। हाँ लिया हम, अब तो बता दीजिए ताऊ जी आखिर हुआ क्या था, हमें सच जानना है। सच है ये, सच है। अनंत शिवांश के पिता है, हमारे कारोबार में वो साझेदार थे, उन्होंने कारोबार में धोखाधड़ी की, हेरा फेरी की, हमने हिसाब किताब में उनकी गड़बड़ियां भी पकड़ ली, तो हमने उनसे साझेदारी तोड़ दी। लेकिन फिर अनंत ने केशव को बुलाया, अरे केशव जाना नहीं चाहता था, लेकिन अनंत ने कहा अगर तुम नहीं पहुंचे तो हम अपने आप को गोली मार लेंगे और हमारे खून के छींटे तुम्हारे भाई के ऊपर लगेंगे। तुम लोग दोषी होगे हमारे परिवार की बर्बादी के, तुम लोग दोषी होगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे हाँ तुम वहीं रुको। ए, दूर दूर हटो, मेरे पास मत आओ, मैं ना खुद को गोली मार लूंगा, दूर हटो। इतने साल हमने इस कारोबार को अपना खून पसीना दिया और भालू ने दो दिन भी नहीं लगाया हमें यहां से निकालने में। उसने न केवल हमारा भरोसा तोड़ा बल्कि हमारे परिवार की पेट पे लात भी मारी है। अनंत बात को समझो, अगर तुम्हें अपने परिवार की इतनी चिंता थी तो तुमने भानु भाई को धोखा काई दिया। अरे केशव, देखो 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 बंदूक नीचे करो, देखो देखो ये गलत है, बंदूक नीचे करो। तो फिर समझाओ अपने भाई को, उसे कहो कि हमें वापस ले, वरना हम तो डूबेंगे ही साथ में, तुम दोनों को लेके डूबेंगे। अनंत पागल हो गए हो क्या, क्या कर रहे हो, अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचो। और Thank you.
लोग हमारे पापा को कायर बना दिए। वो कायर नहीं थे, वो हमें छोड़कर नहीं गए थे और ना ही उन्होंने खुदकुशी की थी। हमने ये वीडियो तुमको तुम्हारे घाव खरीदने के लिए नहीं भेजा था, सिर्फ तुम्हें सच्चाई पता चल जाए, बस यही चाहते थे। और इसलिए भी, ताकि हम अपने पापा के कातिल को देख सकें। केशव ने बहुत कोशिश की थी कि ये सीसीटीवी फुटेज किसी के हाथ ना लगे, पर हमें मिल गए। हमने तुम लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। हम लोगों ने गोरखपुर छोड़ दिया था। हाँ, और जैसे हमको पता चला कि तुम लोग वापस आ गए हो, हमने ठान ली कि अब तो हम सच्चाई बताकर रहेंगे। हमने अपना परिचय इसलिए छिपाया क्योंकि बात हमारे परिवार की थी, और हमारे परिवार का कोई दोस्त नहीं है। हमें बस केशव के परिवार से मतलब है। वो भले ही मर गया, लेकिन उसके परिवार को हम कभी माफ नहीं करेंगे। श्रवणी को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। कल तक का समय मांगा उसने हमसे। हम भी देखते हैं कि इस सच को वो छुटलाती कैसे। वो क्या साबित करती है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये याद रख कि इसमें हमारे परिवार का कोई दोष नहीं है। खुद ही रिकॉर्ड किए थे ये वीडियो और सीसीटीवी से लिए हैं, कह दिए, नहीं तो बिदक जाता। आखिर हम वहां थे तो हादसा टला क्यों? इस सवाल का क्या जवाब देते? अब कौन समझाए कि दाद देते तो बवाल कैसे होता? एक और जीत मुबारक हो चंद्रा। पुलिस ने इस हादसे को आत्महत्या माना। बात आई गई हो गई, लेकिन हमारा केशव आखिरी दम तक अफसोस करता रहा। आखिरी समय में उसने हमको बताया कि इतने बड़े बोझ के तले जी रहा है वो। उसने हमको समझाने का मौका ही नहीं दिया कि मेरे भाई, ये तुम्हारी गलती नहीं, ये हादसा है। हादसा आपने कभी किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? कि हम नहीं चाहते थे कि हमारे भाई के ऊपर कोई दाग लगे। आपको सच में नहीं पता था कि शिवांश अनंत का बेटा। जी, क्या आप जानते थे जिस दिन बाबा से हादसा हुआ उस दिन शिवांश का जन्मदिन था? हम नहीं जानते थे, तुम भी हम नहीं जानते थे। शिवांश ने सिक्के का एक पहलू देखा और अपने मन में बदले की भावना पाल ली। यही बात बोलकर उसने तुम्हें डरा धमका के शादी के लिए मजबूर किया है ना, है ना बेटा, है ना? देखो ना, अब अनंत बचा है और ना ही केशव। इन बातों का कोई फायदा नहीं है, मिट्टी डालो बातों पे, जिक्र ना करना किसी के सामने, खास तौर पे अपनी मां से। वो केशव के नाम पे दान करती है,
केशव की आत्मा की शांति के लिए हजारों लोग आशीर्वाद देते हैं, दुआएं करते हैं, अगर तुमने ये बता दिया किसी का भला नहीं होगा, सब बिखर जाएगा। तुम ये बात समझ रहे हो ना, किसी को कुछ नहीं बताओगे तुम, ये बात छुपी रहनी चाहिए। इतनी बड़ी बात आप हमको छुपाने को कह रहे हैं? किसी की जान गई है ताऊ जी? हमारे भाई की भी जान गई थी। देखो हम परिवार हैं और एक परिवार में कई बार सही गलत के बिना भी फैसला लिया जाना बहुत जरूरी है। झूठ बोलने से अगर किसी की जान बचती है तो जान बचाना सच से ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, झूठ कह के अगर किसी की जान बचती है तो बचा लेनी चाहिए। देखो बस एक बार केशव का श्राद्ध हो जाने दो, शिवांश को हम समझाएंगे, हम मदद करेंगे शिवांश की। सब तुम सुन रही हो ना, सब कुछ नहीं कहोगी तुम? बहुत किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। वादा तो कर दिया लेकिन पूरा नहीं कर सकोगे। चंद्रा करने ही नहीं देगी। केशव के श्राद्ध में होगा असली खेला। सारे दुखों का कारण हमारे पापा है। माफ कर दीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए। गाँव मिले हैं तुम्हें, कैसे भरेंगे इन गाँव को? रब, जब हमें सारा सच मालूम पड़ चुका है, कैसे नजरें मिलाएंगे हम तुमसे, तुम्हारे परिवार से? पापा जानते आपने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन इस हादसे ने शिवांश से उसके पिता, उसका बचपन, उसकी खुशियां सब छीन ली, सब कुछ। पापा का श्राद्ध है, कहीं माश ने गुस्से में कुछ कर दिया तो क्या तमाशा हो रहा है? आपको नहीं पता हमारे देवर जी केशव आज उनका पिंडदान है। हमारे यहाँ ना बड़े पैमाने पे किया जाता है, पूरे तामझाम के साथ। बड़ी पुण्य आत्मा थे, बहुत ही अच्छे इंसान, कभी किसी का बुरा नहीं किया उन्होंने। आप लोग भी आइए, शामिल होइए, हमारे साथ खाना खाइए। वो कहते हैं ना कि श्राद्ध का बोझ जितने लोग खाते हैं
मरने वाले की आत्मा को उतनी ही शांति मिलती है। नाम मत लेना उसका हमारे सामने। हमारे रहते हुए उसके आत्मा को न शांति मिलेगी न तृप्ति। भाई वाह, क्या बात है। आज हमारे आदरणीय परम पूजनीय ससुर जी का श्राद्ध है। ठाकुर साहब, हमने सुना है कि आप हर साल महादान के रूप में 5 नेत्रहीनों को उनकी आंखों के इलाज के लिए पैसे देते हैं। भाई वाह, क्या बात है। इतना बड़ा महादान और ऐसे सूखे सूखे सन्नाटे में। भाई इतना बड़ा नेक काम, इसका यशगान तो होना चाहिए। पूरे गोरखपुर को पता चलना चाहिए इस महादान के बारे में। अरे मेरे पत्रकारों भाइयों, आओ। शिवांश, क्या मिलेगा तुम्हें तमाशा करके? बड़के ठाकुर जी, अब आप देखते जाइए कि हम का का करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के जाने माने ठाकुर परिवार की हवेली में, जहां भानु प्रताप ठाकुर के छोटे भाई स्वर्गवासी केशव ठाकुर का श्राद्ध बड़े ही अनोखे अंदाज से मनाया जा रहा है। अरे पंडित जी, थोड़ा ठहरिए। इतनी जल्दी क्या है तर्पण करने की? अरे बीवी जी, आपका समय खत्म। केशव ठाकुर जी को उनका परिवार बहुत याद करता है। और ये है उनकी प्यारी सुपुत्री और हमारी प्यारी बीवी। इन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि देने का एक अनोखा सा प्रयास किया। आइए आप सबको वो दिखाते हैं। और इनके चरित्र का दर्शन करते हैं। ये देखिए, छोटी बहनें पैर नहीं छुआ करती है। भाई वाह, क्या महान इंसान थे। अब जो आगे आप देखेंगे वो तो बहुत ही महान है। अरे पत्रकारों भाइयों, रिकॉर्ड रिकॉर्ड करो और देखिए कि एक बेटी अपने पिता के लिए किस हद तक जाती है। ए, केशव, केशव, केशव नहीं।
ये क्या था? मर्डर? गोली तो चलाए। तो क्या केशव ठाकुर खूनी था? हमने तो सुना था कि अनंत सिंह ने खुदकुशी की थी। हमारी बीवी श्रवणी ने आज जो किया है वो तो बहुत कम लड़कियां कर पाती है। आज इन्होंने अपने ससुर के हत्यारों को उजागर किया है। उनका कहना है कि वो बेटी बाद में, एक इंसान पहले, और जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा। आज हमारे छुटकर के हत्यारे का नाम आगे से इस शब्द से जुड़ेगा, हत्यारा। आज हमारे भाई का तर्पण, लेकिन हमारे लिए तुम मर गई हो। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।